देखिए व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली स्टॉप्स व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली स्टॉप्स, तो इसमें आप लोग ये ध्यान रखिए कि अगर हॉर्स है कोई ऑलरेडी तेज दौड़ रहा है तो उसके ऊपर जो बैठा हुआ जॉकी है, जो ड्राइवर है, जो उसको दौड़ उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो वो भी उसके साथ ही पूरी तरीके से उसका भी मोशन हो रहा है। जब उसका मोशन हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो बॉडी का लोअर पार्ट है, जैसे कि थाइज हो गई या हिप्स हो गए या फिर उसके जो काफ्स हो गई, वो सारे के सारे हॉर्स की बॉडी से टच ने, हॉर्स की बॉडी के से टच ना, तो इसका मतलब जिस स्पीड के साथ में हॉर्स जो है वो मोशन में है, उसी स्पीड के साथ में उसका लोअर पोर्शन भी मोशन में है, ठीक, अपर पोर्शन भी मोशन में है, पूरा का पूरा पोर्शन मोशन में है। हॉर्स अचानक से रुक जाता है, ठीक है, जो उसके ऊपर इंसान बैठा हुआ है वो नहीं रुका है, हॉर्स अचानक से रुक गया, तो हॉर्स के साथ साथ उसकी वो जो आदमी बैठा हुआ है उसके ऊपर, उसकी बॉडी का जो जो पोर्शन हॉर्स के साथ में टच्ड था वो हॉर्स के सिस्टम का हिस्सा बन चुका था, तो वो भी एकदम से रुक गया। लेकिन जो अपर पोर्शन है वो तो हवा में था, वो तो टच नहीं था उसकी हॉर्स की बॉडी के साथ में, तो वो आगे की तरफ मूव करता ही रहा, तो हॉर्स अचानक रुक गया, आगे वाला हिस्सा आगे ही मूव करता रहा, इस वजह से आगे की तरफ जर्क लगता है, ठीक है। तो व्हेन अ हॉर्स सडनली व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली स्टॉप्स व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली स्टॉप्स द राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड कॉमा द राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड। द राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड। सेकंड लिखिएगा द पर्सन गेटिंग आउट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन A person moving out of a moving bus or train. एक पर्सन अगर एक चलती हुई बस से या चलती हुई ट्रेन से उतरता है तो उसके साथ भी क्या होता है, वो भी आगे की तरफ गिरता है जाकर। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो बस के साथ, अगर वो बस में ट्रेवल कर रहा था तो वो बस के साथ ही चल रही थी, अब वो अचानक से उतरना चाह रहा है, अचानक से जब वो उतरेगा तो क्या होगा कि वो भी अचानक से तो नहीं रुक पाएगा, क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी है वो तो उसी स्पीड से चल रही थी ना जिस स्पीड से बस चल रही थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो अचानक से उतरा, तो जैसे ही वो अचानक से उतरा तो उसकी बॉडी सडनली स्टॉप नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी उसी स्पीड से चल रही थी जिस स्पीड से बस थी। आप अचानक रुकने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी आगे की तरफ गिर जाएगी, ठीक है, सभी को क्लियर है? हाँ, लिख लेना इसमें एज द मैन, इसका रीजन लिख लेना, मैं यहां लिख देता हूं, एज द मैन जंप्स आउट, एज द मैन जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस हिज फीट सडनली कम टू रेस्ट, जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस कॉमा हिज फीट सडनली कम टू रेस्ट, हिज फीट सडनली कम टू रेस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड, ऑन टचिंग द ग्राउंड ऑन टचिंग द ग्राउंड व्हाइल द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड, व्हाइल द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी
कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड, कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड, कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड, फुल स्टॉप. दैट इज व्हाई ही फॉल्स विद हिज हेड फॉरवर्ड. That's why he falls with his head forward. With his head forward. With his head forward. इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं. तो पहला हमने देखा था बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर देखा बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन, और अब तीसरा देख रहे हैं बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. एक एग्जांपल लिख लो, बस सफिशियंट है इसमें. एक एग्जांपल लिख लीजिए. व्हेन अ व्हीकल मूव्स द मड स्टिकिंग टू इट्स व्हील, व्हेन अ vehicle moves the mud sticking the mud sticking to its wheels when a vehicle moves the mud stick the mud sticking to its wheels flies off tangentially flies off flies off tangentially. Flies off tangentially. This is due to inertia of direction. This is due to inertia of, this is due to inertia of direction. Full stop. This is due to inertia of direction. Full stop. In order that the flying mud does not spoil the clothes of the passerby, in order that the flying mud. In order that the flying mud does not spoil the clothes of the passerby, does not spoil the clothes of the passerby. Passerby, the wheels are provided with mudguards. The wheels are provided with mudguards. ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमने सर्कुलर मोशन की भी बात करी थी, तो सर्कुलर मोशन, फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए कि ये एक व्हील है, आप सोचिए कि एक व्हील है,
और इस ये किसी कार का व्हील है और ये चलना शुरू करता है, तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मतलब अलग अलग जगह इस पर मड जो है वो चिपका हुआ है, मिट्टी इस पर चिपकी हुई है अलग अलग जगह। ये अचानक से जैसे ही चलना शुरू करता है, अगर ये व्हील जैसे एकदम से चलना शुरू करेगा तो क्या होगा कि इसके साथ के जो पार्टिकल्स है, जैसे ही ये इस इंस्टेंट पर चलेगा तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो है सर्कुलर पाथ में वो टेंजेंशियल होती है, ठीक है। तो ये व्हील का ये वाला जो हिस्सा है, जिस हिस्से पर ये वाला मड चिपका हुआ है, ये वाला हिस्सा तो टर्न करके यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये टर्न नहीं कर पाएगा, ये जो मिट्टी का टुकड़ा है ये टर्न नहीं कर पाएगा, तो ये टेंजेंशियली ऐसे चला जाएगा। उसी इंस्टेंट पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक मिट्टी का कोई टुकड़ा चिपका हुआ था, ठीक। तो जो व्हील का ये वाला हिस्सा है ये तो मूव करके यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये टेंजेंशियली ऐसे चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई मिट्टी चिपकी हुई है तो व्हील का ये वाला हिस्सा, ये तो जरा से एक या डेढ़ से एक या आधे सेकंड में ये हिस्सा तो यहाँ आ जाएगा टायर का, लेकिन ये जो है ये इस तरह से। तो मड गार्ड्स इस वजह से लगाए जाते हैं ताकि अगर हम साइकिल पर भी बैठे हुए हैं तो साइकिल भी अगर हम चला रहे हैं तो साइकिल का भी जो फ्रंट व्हील है उस फ्रंट व्हील के जस्ट पीछे ही तो हम बैठे रहते हैं, तो अगर साइकिल का टायर ऐसे ऐसे घूमेगा तो जितनी भी मिट्टी पर वो टच होगा वो मिट्टी सारी उड़ेगी और उड़ के हमारे कपड़ों को गंदा कर देगी, ठीक है। इसी वजह से चाहे मोटर बाइक हो, चाहे साइकिल हो, चाहे कार हो, सब में मड गार्ड लगे रहते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर है बेटा ये वाली बात? सभी यस सर। को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, विदुषी, यश, शिवांश, यस सर। अंश, यस अंश, सर। यस आस्था, आदित्य, सभी को बताइए क्लियर है? वॉटर ऑलवेज कम्स बैक थ्रू विच मीडियम, थ्रू विच मीडियम, थ्रू विच वे? उसका रीजन ये है कि जैसे हम मड गार्ड की बात करते हैं ना, तो मड गार्ड ऐसे है, मड गार्ड ऐसे लगा हुआ है, वो मड गार्ड पूरा नीचे तक अगर लगा हुआ है तब तो कभी भी गीला नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो ये है कि अगर थोड़ा बहुत भी, अगर मान लीजिए इतना है, तो यहाँ वाला जो भी मिट्टी या पानी है वो कपड़ों पर लगेगा, वो है रीजन, और कोई रीजन नहीं, ठीक है। चलिए जी, मैं आगे चलता हूँ। और दूसरी चीज ये भी है कि वो लिक्विड है, वो लिक्विड है, और मड जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड को ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लिक्विड को कम टाइम लगेगा, ये भी रीजन है। आगे देखते हैं कि डिस्कशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये लिखे हैं, आप हेडिंग डालेंगे इसमें, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाई जाती है तो द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। जो फोर्स लगाई जाती है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल उसकी डेफिनेशन है, ये ओरिजिनल डेफिनेशन से ही ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो वो कैसे हुआ है वो देखेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि जिससे फोर्स की क्वांटिटी पता चल पाए कि मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूँ या मैं किसी चीज को पुल कर रहा हूँ, तो कितनी क्वांटिटी के साथ में, कितने ताकत के साथ में हम उसको कर रहे हैं, मतलब हम बता पाए कि कितना वैल्यू है उसका, ठीक है। तो देखिएगा,
यहां लिखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट स्टेट्स दैट द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन is directly proportional to the change in linear momentum. That is, F is directly proportional to change in linear momentum, मतलब dP by dt. अगर मैं change की बात कर रहा हूं तो change क्या होता है? हाँ बेटा, rate ही था. इसको generally speaking ना हम जनरली स्पीकिंग हम उसको चेंज बोल देते हैं. आप रेट लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख लीजिए. सही, ज्यादा करेक्ट यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम में चेंज क्या हो जाएगा? डीपी, है ना. और रेट ऑफ चेंज तो मतलब रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है. कि अगर कभी भी मेरे से ये कहा जाए कि किसी का भी रेट निकालना है, तो फिजिक्स में जहां पर भी रेट निकालना होगा हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, हमेशा हम उसको टाइम से डिवाइड करेंगे. अच्छा, अब तो साइड में रख दो ना, साइड वाले उसमें इतनी सारी चेयर खाली पड़ी है, उस पर रख दो ना इसको. अरे इधर रख दो, पता नहीं तुमसे बार बार उसको देख रहे हो कि ठीक है गलत है क्या है, क्या देख रहे हो उसको, रख दो साइड में. अब देखिएगा, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m सपोज अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद अ वेलोसिटी v vector, velocity v vector है, moves with a velocity v vector, then its linear momentum is, then its linear momentum is p vector is equal to mv vector. P vector is equal to mv vector. मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है बेटा dP by dt. अब मैं वेक्टर की ही बात कर रहा हूँ ना, तो हम एक काम करते हैं कि इसे इधर दोनों तरफ आप वेक्टर ही कर लीजिए वेक्टोरिकली. तो f vector इधर और dP vector by dt, ठीक है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और जो आपका फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी. तो ये तो ओरिजिनल डेफिनेशन थी किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की. और p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर होता है. अब आप ये कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो आप क्या कर रहे हैं यहां पर? d बाई डी टी ऑफ p वेक्टर is equal to d by dt of m v vector. ये हो गया d by dt of p vector is equal to d by dt of m v vector. अब इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा? dp vector by dt. और यहां मास यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट होता है, तो मास को अलग ले लीजिए, m
डीवी वेक्टर बाय डीटी, डीपी वेक्टर बाय डीटी इज इक्वल टू एम डीवी वेक्टर बाय डीटी। अब हम ये कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है बताएंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बताओ? अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है? हाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो बड़ा सोचना पड़ रहा है इसमें। तो उसी को हम डीवी बाई डी टी भी बोल देते हैं, ठीक है? डिफरेंशिएशन के टर्म्स में हम डीवी बाई डी टी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है? चलिए जी, तो डीपी वेक्टर बाय डीटी इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, ठीक है? ये वाला जो स्टेटमेंट था इसको बोल दिया वन, इसको बोल दिया टू, ठीक है? पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू इन वन। इक्वेशन टू से मुझे पता चला डीपी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए वैक्टर है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में आप डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एफ वैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी वैक्टर बाई डी टी की जगह आ जाएगा एम ए वैक्टर, डीपी वैक्टर बाई डी टी की जगह आ गया एम ए वैक्टर। अब हम ये जानते हैं कि जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है उसको हटाकर इक्वालिटी साइन लगाने के लिए कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जरूर आता है, तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए वेक्टर, वेयर, नोट करें, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट where k is a proportionality constant, proportionality constant so chosen such that its value always remains unity, इट्स वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है बेटा वन, इसकी वैल्यू हमेशा वन ही रहे, हम कुछ इस तरीके का चूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, देयरफॉर एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। भाई कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मुझे रखना है, ठीक है, कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखना है तो किसी और चीज पर वो डिपेंड नहीं करता, तो इस वजह से इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जनरली हम वन ही ले लेते हैं, क्योंकि और कोई फैक्टर्स नहीं होते फोर्स में, और कोई फैक्टर नहीं होता कि टेम्परेचर है तो टेम्परेचर से फोर्स पर कोई फर्क पड़ रहा हो, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उससे टेम्परेचर पर फोर्स पर कोई फर्क पड़ रहा हो, तो कोई और फैक्टर नहीं होता जिससे कोई फर्क पड़े। मास यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट होता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि भाई बॉडी कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रही है, ठीक है? तो ये दो ही फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करते हैं, तो तीसरा जो कॉन्स्टेंट है वो कॉन्स्टेंट किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको आप वन ले लीजिए, आसानी रहती है। बताइए बेटा सबको क्लियर है, चलें आगे? हाँ, इसी वजह से तो के हटा दिया, क्योंकि के को वन ले लिया है ना, तो इसलिए के हटा दिया। चलिए जी, उसके बाद आप नोट करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नोट करिएगा। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम a bullet of mass 0.04 किलोग्राम
मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second, moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped, enters a heavy wooden block and is stopped, enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter, and is stopped after a distance of 60 centimeter, full stop. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? What is the average resistive force exerted by the block on the bullet, exerted by the block on the bullet? अब देखिएगा, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम, तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि एक ना वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक यहां पर ऐसे है और एक बुलेट है वो इस तरीके से आती है, इस डायरेक्शन में आती है और इसके अंदर एंटर कर जाती है, इसके अंदर एंटर कर जाती है, इसको स्ट्राइक करती है और इसके अंदर एंटर कर जाती है। तो अब वो बोल रहे हैं मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बुलेट जो है वो ऑलरेडी फायर्ड है। फायर्ड बुलेट का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी चल रही है 90 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो बुलेट की है वो है 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो ये दे रखा है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला हमको कि enters a heavy wooden block, इस wooden block में वो 90 meter per second की speed से ही enter कर जाती है, घुस जाती है इसके अंदर, ठीक है, and is stopped after a distance of 60 centimeter, वो 60 centimeter के बाद stop कर जाती है, रुक जाती है, तो यानी कि वो उसके अंदर enter करने के बाद में कितना distance चलेगी, 60 centimeter, ठीक है, तो वो जो distance है उसको हम क्या बोलते हैं, s, ये क्या हो गया 60 centimeter, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, 60/100 कर देंगे, ये मीटर में हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, तो 0.6 मीटर, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट 0.6 मीटर, उसके बाद में फाइनली इट इज गेटिंग स्टॉप्ड, फाइनली रुक रही है, तो इसका मतलब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वी, वो हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। आप सोचो मेरे पास वी है, यू है और एस है,
और मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, क्योंकि वो फोर्स पूछ रहे हैं, वो रेसिस्टिव फोर्स पूछ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मास इंटू एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वी यू और एस की हेल्प से ए निकालना चाहता हूँ, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी है, वो एकदम से तो नहीं रुक रही ना, ऐसा तो नहीं है ना कि चलते चलते एकदम ही सडनली स्टॉप हो गई ना, वो इसके अंदर एंटर कर गई, एंटर करके धीरे 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 रुकी है 60 सेंटीमीटर तक, तो यानी कि उसकी वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी का लगातार घटना या वेलोसिटी का लगातार बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब भी कभी एक्सेलरेशन आएगा तो मैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करूंगा, मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ नहीं, वो नहीं, आप ये देखिए, ये मेरे पास आ गया भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। वी स्क्वायर कितना है, वी एस जीरो, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस कितना है 0.6। जीरो इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर कितना हो गया 8100 प्लस टू इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 1.2 a, तो माइनस 8100 इज इक्वल टू 1.2 a, तो a हो गया माइनस 8100 अपॉन 1.2, पॉइंट गया तो ऊपर आ गया जीरो, डिवाइड करिए 12 से, डिवाइड करें इसको तो 3 4 12 और 327 81 और 30 आ गए, 4 से हो जाएगा डिवाइड, 4 6 24, 27 - 24 हो गया 3, 3 0 30, 4 7 28, 30 - 28 2, 2 0 20, 4 5 20, 6 7 50, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का 6 7 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेसिस्टिव एवरेज रेसिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो एवरेज रेसिस्टिव फोर्स क्या होती है, अपोजिंग फोर्स भाई, हम ये भी तो बताते हैं कि फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन भी तो एक अपोजिंग फोर्स होती है। तो यहां पर जो वुड है वो वुड उसको रोक रहा है, तो हम ये कहेंगे एवरेज रेसिस्टिव फोर्स एवरेज रेसिस्टिव फोर्स जो हम निकालेंगे ये कैसे निकलेगा, F is equal to mass into acceleration, F is equal to m into a, अच्छा F is equal to m कितना है 0.04 है, यहां पर 4 था, मैंने फालतू में इसको डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करते वो कट ही जाता यार, चलिए 0.04 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 6750, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2700 आ जाएगा, कितना नहीं, ये हो जाएगा माइनस का 2700 और अपॉन में 10 है, 10 से 10 कट गया, तो 270 न्यूटन, माइनस हटा दो, ये हो गई रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्स ही अपोजिंग फोर्स होती है, इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है उसमें, ठीक है। यहां पर माइनस भी लगा दो चाहे तो, और लिख दो नेगेटिव साइन indicates that it is an opposing force. ये किसके motion को oppose कर रही है, bullet के motion को, बताइए बेटा सभी को clear है,
ऑनलाइन के भी बता देंगे स्टूडेंट, सभी को क्लियर है? ठीक है, यस चलिए जी आगे सर, चलता यस हूँ फिर सर, मैं। ओके आगे चलते हैं। अगला टॉपिक नोट करेंगे, इंपल्स। इंपल्स, IMPULSE, इंपल्स। इंपल्स वही है कि इंपल्स को हम इंपल्सिव फोर्स भी बोल सकते हैं। नोट करें, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum produce a finite change in momentum is called an impulsive force. Example. A bat hitting a ball blow of a hammer on a nail. तो इम्पल्सिव फोर्स कौन सी होती है कि बहुत ज्यादा तेज फोर्स है और वो एक इंस्टेंट के लिए जस्ट लगे। तो अगर मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो बड़ी ताकत के साथ में, अगर हमको कोई लंबा शॉट खेलना है तो बड़ी ताकत के साथ में हम बैट घुमाते हैं और वो बॉल पर कितनी देर के लिए, ऐसा तो नहीं है कि बैट जो है वो बॉल पर चिपक ही जाता हो, नहीं ना, बस एक इंस्टेंट के लिए टच होता है और बॉल जो है वो बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। इसी तरीके से अगर हम कोई दीवार में कील लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम हैमर से उस पर चोट करते हैं तो वो चोट कितनी देर के लिए करी जाती है, एक इंस्टेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे मारा और रख दिया उसके ऊपर, फिर ऐसे मारा और रख दिया, नहीं, उसको चोट मार के मतलब लगा कर एकदम हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये कहलाती है इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स मतलब एक इंस्टेंट के लिए वो फोर्स आई थी फिर चली गई, एक इंस्टेंट के लिए वो फोर्स आई थी और फिर चली गई, ठीक है, ये कहा जाता है इंपल्सिव फोर्स। ठीक, अब जो इंपल्सिव फोर्स से जो इफेक्ट पैदा होता है दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इंपल्स। नोट करें इंपल्स ऑफ अ फोर्स, ये तो इंपल्सिव फोर्स था, अब नोट करेंगे इंपल्स ऑफ अ फोर्स। इंपल्स ऑफ अ फोर्स का मतलब क्या है कि ये इंपल्सिव फोर्स का इफेक्ट है। इसकी डेफिनेशन लिखें, इंपल्स ऑफ अ फोर्स
इंपल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स impulse is the total effect of a large force which acts for a short time to produce which acts for a short time to produce acts for a short time to produce a finite change in momentum to produce a finite change in momentum to produce a finite change in momentum full stop impulse is defined as the product of the force impulse is defined as the impulse is defined as the product of the force and the time for which it acts and the time and the time for which it acts and is equal to the total change in momentum and is equal to the total change in momentum is equal to the total change in momentum ठीक है तो total effect है ये उसी large force का वो large force क्या कहलाती है impulsive force वो जो large force एक छोटे से instant के लिए लगती है ना उस force का जो result आता है उस force का जो effect आता है that effect is called impulse और impulse की definition it is defined as the product of the force and the time for which it acts तो impulse is equal to impulse is equal to force into time duration force into force into time duration और इसी ये जो है ये total change in momentum के equal होता है total change in momentum के equal होता है ये ये कैसे हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है आप ये देखिए एफ इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डीपी अपॉन डीटी ऐसे था और फिर हमने ये कहा था डीपी अपॉन डीटी को निकाला था तो वो हमारे पास एम इंटू ए आ गया था अब आप ये देखिए जैसे dp अपॉन dt है अब मैं इसको ये कहूंगा कि आप एक इंस्टेंट के लिए ये मान लें कि भाई इक्वालिटी है तो ये जो dt है ये इधर मल्टीप्लाई हो गया f मल्टीप्लाइड बाई dt और इधर क्या आ गया dp तो dp क्या है सिर्फ चेंज इन मोमेंटम ही तो है रेट ऑफ चेंज तो नहीं ये बचा सिर्फ चेंज इन मोमेंटम और ये क्या हो गया फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन dt क्या है छोटा सा टाइम ड्यूरेशन ठीक है तो छोटा सा ही टाइम ड्यूरेशन रहेगा क्योंकि एक इंस्टेंट के लिए ही हैमर जो है वो कील पर चोट करता है एक इंस्टेंट के लिए ही बैट जो है वो बॉल पर स्ट्राइक करता है तो जहां पर मैं किसी चीज पर लगातार मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है उस पर मैं हाथ लगाकर और लगातार फोर्स लगाता जा रहा हूं वहां इम्पल्स का कोई लेना देना नहीं है
ठीक है, इम्पल्स कहाँ पर काम करेगा, जहां पर लार्ज फोर्स होगी और वो एक इंस्टेंट के लिए काम करेगी, एक इंस्टेंट के लिए चोट करी और हट गए, ठीक है। बताइए बेटा, समझ में आ गया इतना? सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद जो इम्पल्स है, इम्पल्स का एक डेरिवेशन है, ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, और वही आपको दोबारा बता देता हूँ कि कल शाम को आप 6 और 7 बजे के बीच तक व्हाट्सएप एक बार चेक कर लेना, कल आपकी फिर से वही 9 या 9:15 बजे मैं एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। अगर होगी एक्स्ट्रा क्लास तो मैसेज आ जाएगा, अगर नहीं होगी तो मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए जी, ओके। हाँ, कुछ नहीं थैंक यू अभी, सर। नहीं, जो हमने करवाया यही लर्न करना है बस। थैंक यू ओके सो मच। ओके।